हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ये रियल टाइम चैट एप्लीकेशन मैं जेंगो चैनल्स का यूज़ करके बनाऊंगा। गाइज, ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट वीडियो है। इसमें मैंने कंप्लीट कोड किया हुआ है, उसको एक एक कंपोनेंट को हम समझेंगे और वो कोड मैं गिटहब पर अवेलेबल करा दूंगा आपको। तो इसका जो एंड रिजल्ट है वीडियो का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, इस तरह की एक चैट एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें लाइव मेंबर यहाँ पर दिखते हैं। जैसे कि मेरे पास अजय है, राहुल है, ठीक है, और यहाँ पर मैं सारी चैट को जो भी मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो बेसिकली रियल टाइम का क्या मतलब है, तो देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक टर्मिनल और खोला हुआ है, सॉरी, एक विंडो और खोली हुई है। ये यहाँ पर मैं अजय से लॉग इन हूँ, ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर मैं एडमिन से लॉग इन हूँ। तो जब मैं एडमिन को मैसेज करता हूँ, मैंने एडमिन पे क्लिक किया, तो मैं इस तरह इधर करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को दिख सके कि मैसेज आ रहा है रियल टाइम में, ठीक है। हाय एडमिन फ्रॉम अजय, टुडे मैसेज, ठीक है, मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ भेजा, यहाँ पर ये शो हो गया। अब आप देखोगे, मुझे ये एडमिन वाले को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे खुद ही आ गया ये, हाय एडमिन फ्रॉम अजय, टुडे मैसेज, ठीक है। तो विदाउट रिफ्रेशिंग, ठीक है, रियल टाइम में हमारा मैसेज जो है सेंड और रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसका एक और फीचर है कि जैसे ही कोई नया यूजर लॉग इन करता है, तो लाइव मेंबर में शो हो जाता है। जैसे कि हम फेसबुक वगैरह में देखते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम में जाके एक और पर्सन को फिर लॉग इन करता हूँ, ठीक है, इनकोग्निटो विंडो में जाके यहाँ लॉग इन करता हूँ एडमिन पे, ठीक है। मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए कोई अपना एक्स्ट्रा फॉर्म वगैरह नहीं बनाया हुआ है, जो जेंगो प्रोवाइड कराता है, मैं उसी से ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ। बेसिकली ये सारे मेरे स्टाफ मेंबर हैं, इसलिए मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ। तो मैं लॉग इन करता हूँ श्याम से, ठीक है। श्याम अभी है नहीं इसमें, ऑलरेडी नहीं है, आई होप, या तो श्याम से मैं लॉग इन करता हूँ। आप देखोगे, जैसे ही मैं लॉग इन करके वो यूआरएल हिट करूँगा, लाइव मेंबर में मुझे शो होने लगेगा, ठीक है। श्याम से मैंने लॉग इन कर लिया, अब मैं इसको यूआरएल को हिट करता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने हिट किया, यहाँ पर श्याम आ गया, यहाँ पर श्याम आ गया, ठीक है। अब तीन लाइव मेंबर शो हो रहा है और टोटल फोर है, राइट। तो एक ये है। इसके बाद अगर आप यहाँ से लॉग आउट करते हो, जैसे मैंने श्याम को लॉग आउट किया, ऑलरेडी यहाँ से श्याम गायब हो जाएगा लाइव मेंबर से। तो ये बेसिकली एक रूम बनाया हुआ है, रूम में कितने भी हम यूजर को लॉग इन करा सकते हैं और लॉग आउट करा सकते हैं और रियल टाइम चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनफ अबाउट दिस एप्लीकेशन। नाउ अब हम सीधा सीधा कोड पे देखते हैं कि मैंने कोड में क्या किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज, जब हम रियल टाइम चैट एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, ठीक है, तो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो कि ये सर्वर है, या सॉरी, क्लाइंट है, और ये सर्वर है हमारा, ठीक है। तो जैसे ही क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, ठीक है, और यहाँ से रिस्पॉन्स आया, ठीक है, हमारा जो कनेक्शन है ना, क्लोज हो जाता है, वन कनेक्शन, ठीक है। अगर मुझे फिर से कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो क्या होगा, मुझे फिर से एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी इधर, और फिर से एक रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो HTTP क्या है, लॉन्ग लिफ्ट कनेक्शन के लिए, लॉन्ग लिफ्ट कनेक्शन के लिए HTTP नॉट यूजफुल, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो लॉन्ग लिफ्ट कनेक्शन के लिए यूजफुल हो बेसिकली, ठीक है। और क्यों? क्योंकि रियल टाइम में क्या है कि कनेक्शन ओपन रहता है, और जब मन चाहे कोई भी बंदा या कोई भी यूजर जो है वो मैसेज कर सकता है, और वहाँ पे कोई रिसीव करने वाला चाहिए। तो रियल टाइम में क्या होता है, ये होता है पीयर 1 और ये होता है पीयर 2, ठीक है, और कनेक्शन जो है दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जेंगो में हम WSGI का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा, क्योंकि जब हम वेब सॉकेट पे काम करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे अभी कि हम कैसे JavaScript का यूज़ करके हम वेब सॉकेट बनाएंगे, तो उसको हैंडल करने के लिए हम ASGI का यूज़ करेंगे, ठीक है, एसिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस।
तो आई होप ये थोड़ी सी बेसिक सी थ्योरी है, मैं बता देता हूँ ESDI क्या है। जैसे कि ESDI के डॉक्यूमेंट में जो मैंने अभी बताया था कि लॉन्ग लिव्ड कनेक्शंस के लिए ESDI प्रोवाइड कर रहा था असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ठीक है, बैकवर्ड कंपेटिबल मल्टीपल सर्वर। ओके, इंट्रोडक्शन में आप इसका देखोगे तो इट इज सेइंग व्हाई नॉट जस्ट अपग्रेड WSGI, राइट? तो बिकॉज WSGI सिंगल कॉलेबल इंटरफेस जस्ट इज नॉट सुइटेबल फॉर मोर इन्वॉल्व वेब प्रोटोकॉल्स लाइक वेब सॉकेट। तो WSGI जो जैसा कि मैंने अभी बताया WSGI वेब सॉकेट्स के लिए नॉट कंपेटेबल, राइट? तो उसके बाद ESDI कैसे काम करता है ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे कि लॉन्ग पोल HTTP और वेब सॉकेट कनेक्शंस ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। WSGI एप्लीकेशन आर सिंगल सिंक्रोनस कॉलेबल डेट टेक्स अ रिक्वेस्ट एंड रिटर्न अ रेस्पॉन्स डेट डज नॉट अलाउ फॉर लॉन्ग लिव्ड कनेक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो आई होप कि कुछ थ्योरी में समझ आई होगी क्यों क्यों हम ESDI का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सीधा सीधा हम चलते हैं अपने कोड पर जो मैंने लिखा हुआ है। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन में जब आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा इन्होंने एक चैट एप्लीकेशन बना के दिया हुआ है, बट मेरी वाली जो चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो मैं बताऊंगा। तो देखो इन्होंने ये बताया हुआ कि पूरा इम्प्लीमेंट है चैट सर्वर, राइट चैट सर्वर एज एसिंक्रोनस, राइट? तो सीधा कोड पे देखते हैं। तो उससे कोड पे देखने से पहले अभी मैं मॉडल्स बताता हूँ कि मैंने मॉडल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने एक रूम नाम का एक मॉडल बनाया, ये रूम वो है जिसमें यूजर जो है लॉग आके कनेक्ट करेंगे इस रूम को। तो जैसे कि अभी हम एप्लीकेशन में दिखा रहे थे, ठीक है, तो रूम में नेम है, रूम का जो नेम है लेयर है, एडमिन, एडमिन कौन होगा ये बात के लिए है, मतलब फीचर के, अगर एडमिन चाहे तो रूम में से किसी भी यूजर को लॉग आउट कर सकता है, ठीक है, थ्रू आउट कर सकता है, क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड एंड एक्टिव, राइट, कि अगर ये रूम एक्टिव है या नहीं। उसके बाद इस रूम के अंदर जो भी यूजर है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे रूम का मैंने फॉरेन की दे रखा है और यूजर को मैनी टू मैनी फील्ड दे रखा है। अब मैनी टू मैनी फील्ड क्यों बनाया हुआ है मैंने यूजर को, क्योंकि एक रूम में, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना है, एक रूम में कई सारे यूजर हो सकते हैं, ठीक है, और एक यूजर कई सारे रूम में अवेलेबल हो सकता है पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। तो एक यूजर, एक पर्टिकुलर यूजर कई सारे अलग अलग रूम में अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज में हम रूम सेंडर रिसीवर और क्या टेक्स्ट भेजा, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे रियल टाइम में तो हमें इसको स्टोर करने की क्या नीड है, हम डेटाबेस में क्यों स्टोर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए है। मतलब अगर मेरे को हिस्ट्री निकालनी हो कि 2 दिन पहले क्या मैसेज भेजा था, ये उसके लिए है, इसलिए हम स्टोर कर रहे हैं। अदरवाइज रियल टाइम में कोई भी डेटाबेस में मैसेज को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। रियल टाइम में क्या होता है कि जैसे ही किसी ने मैसेज सेंड किया, अपन जो पीयर से कनेक्टेड है उस पीयर के पास मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डेटाबेस से हम लेके आ रहे हैं कि क्या मैसेज भेजा, तो वो रियल टाइम रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल्स है जो मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि वेब सॉकेट मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्योंकि देखो वेब सॉकेट क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि HTTP से हम रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वेब सॉकेट जो है हमारा ओपन रहता है कनेक्शन, कनेक्शन क्लोज नहीं करता। तो जावास्क्रिप्ट में हम इस तरीके से वेब सॉकेट बना सकते हैं। और ये क्या WS, जैसे HTTP कॉलन स्लैश होता है वो प्रोटोकॉल शो करता है, ये WS वेब सॉकेट का प्रोटोकॉल सॉरी स्कीमा शो कर रहा है। और ये है हमारा पाथ WS चैट। अब देखो जेंगो में आप लोगों को पता होगा कि जो जेंगो का जो पाथ होता है, मतलब रिक्वेस्ट कैसे जाती है, पहले urls.py में जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस urls.py में देखोगे, उसके बाद चैट, जैसे कि मैं ये रिक्वेस्ट आई तो फिर चैट की .urls.py में जाएगी, यहाँ पर आई और उसके हिसाब से मैप करेगी कि किस व्यू में जाना है, ठीक है। ये नॉर्मल एक पाथ है, ठीक है, रिक्वेस्ट को भेजने का, ठीक है। लेकिन जब हम, ये है सिर्फ HTTP केस में, लेकिन जब हम वेब सॉकेट वाला पाथ भेज रहे हैं ना तो हमारा ASDI.py से होके जाती है। तो ASDI.py यहाँ पर आपको ये वाला कोड जो है इसमें डालना पड़ेगा, ये आप उठा सकते हो यहाँ से जब आप इम्प्लीमेंट करोगे चैट सर्वर को, तो यहाँ पर बताएगा वो कि कैसे कहाँ ये वाला, ये है ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद अब देखो यहाँ पे ना मैंने राउटिंग और दे रखा है, राउटर डिफाइन कर रखा है। अब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी ना वेब सॉकेट से, जो वेब सॉकेट से रिक्वेस्ट जाएगी, ये बता रहा है कि चैट के अंदर राउटिंग के अंदर वेब सॉकेट यूआरएल पैटर्न मैंने यहाँ डिफाइन कर रखे हैं राउटिंग डॉट पाई में, ठीक है। यहाँ से वो देखेगा रिक्वेस्ट को, तो जब मैं इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में डब्ल्यू एस चैट रूम नेम यूजर आई डी भेज रहा हूँ, तो वो राउटिंग डॉट पाई के अंदर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका व्यू क्या है, ये चैट कंज्यूमर, तो कंज्यूमर डॉट पाई में है चैट कंज्यूमर। अब ये जो वेब सॉकेट कंज्यूमर है ना, ये ऑलरेडी क्लास है बनी हुई जो चैनल्स हमें प्रोवाइड कराता है। अच्छा, चैनल्स होते क्या है? चैनल्स बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कराने के लिए चैनल्स का यूज करते हैं, तो जो जेंगो चैनल्स लाइब्रेरी है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि वो बेसिकली रेडिस या कोई भी ब्रोकर का यूज करते हैं। तो मैंने सेटिंग्स डॉट पाई में यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा ये सारे स्टेप आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे, मैं बस छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। तो मैंने चैनल्स लेयर जो है रेडिस का यूज किया हुआ है, ठीक है, रेडिस चैनल लेयर का तो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, राइट। और मैंने अपनी ए एस जी आई एप्लीकेशन भी डिफाइन की हुई है यहाँ पर, चैट बॉक्स एप डॉट ए एस जी आई डॉट एप्लीकेशन, राइट। तो अब हम चलते हैं कंज्यूमर डॉट पाई पे। तो कंज्यूमर के अंदर ये कनेक्ट डिसकनेक्ट रिसीव ये सारे मेथड ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, बस हमें क्या करना है इन मेथड का यूज करके अपनी फंक्शनैलिटी लिखनी है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इंडेक्स डॉट एस टी एम पाई मैंने सॉकेट बनाया, ठीक है। जैसे ही सॉकेट मतलब जैसे ही लोकल होस्ट 800 पर हम यहाँ पर हिट करेंगे, ठीक है, सॉकेट क्रिएट होगा जावास्क्रिप्ट से, और सॉकेट क्या करेगा, सॉकेट कनेक्ट करेगा, ठीक है, सॉकेट जो है कनेक्ट करेगा। तो सॉकेट कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर आएगा इस वाले मेथड में कनेक्ट में, ठीक है। यहाँ से हम रूम आईडी यूजर आईडी निकाल सकते हैं जो हम भेज रहे थे यहाँ पर राउटिंग डॉट पाई में, या इंडेक्स डॉट एस टी एम एल से ये रूम नेम और यूजर आईडी भेज रहे थे, इसको हमने निकाली। उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया कनेक्शन को, उसके बाद मैंने रूम रूम देखा कौन सा रूम है, ठीक है, उसके अंदर एक्टिव यूजर है ये देखे, इनकमिंग यूजर मैंने निकाल लिया क्योंकि यूजर आईडी भेज रहा था जो इनकमिंग यूजर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इनकमिंग यूजर ऑलरेडी नहीं है एक्टिव यूजर में तो मैंने ऐड करा दिया यहाँ पर, ठीक है, एक्टिव यूजर में मैंने ऐड करा दिया, ठीक है। मॉडल्स में जाओगे आप तो एक्टिव यूजर है ना ये, कि रूम में कितने कौन कौन से यूजर अवेलेबल हैं, तो मैंने यहाँ ऐड करा दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रुप सेंड किया। ये ग्रुप सेंड क्या करता है, ये जितने भी यूजर मेरे पास कनेक्टेड हैं अभी इस पर्टिकुलर रूम से उन सबको मैसेज भेजेगा, और मैसेज में मैंने क्या भिजवाया कि जितने भी यूजर हैं सबको भेज दो। तो क्या होता है, तो फंक्शनैलिटी ये वाली जो मैं बता रहा था कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया नया यूजर, तो यहाँ लाइव यूजर में क्या है सारे शो हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन थे इनके पास भी आ जाएगा, यहाँ लाइव मेंबर में एक नया मेंबर जुड़ जाएगा कि एक नया मेंबर कनेक्ट हुआ है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर भिजवा रहे हैं टोटल यूजर को ग्रुप सेंड में, जब जब भी कोई नया कनेक्शन आता है तो, ठीक है। उसके बाद है रिसीव, और ठीक है, तो रिसीव का देखते हैं, जैसे कि अब ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ से जो मैसेज आया जो ग्रुप सेंड किया था ना इसमें कनेक्ट के अंदर ग्रुप सेंड, उसको हम यहाँ ऐड करा रहे हैं उस यूजर को, वो जो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो हम यहाँ लाइव मेंबर में ऐड करा रहे थे ना, वो यही है, इसकी वजह से ही हो रहा है। तो हमने ऐड करा दिया। अब हम अगर कहीं मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है, पीयर टू पीयर करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला मेथड है, ठीक है, ये कोड जो है सारा आपके पास गिटहब पे अवेलेबल होगा, मैं बस कंपोनेंट समझा रहा हूँ, मैं पूरा पूरा कोड को अभी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा उसको कोड नहीं कर सकता, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या किया हुआ है मैंने। तो ये वो वाला है सबमिट डॉट ऑन क्लिक, ये मेरा सबमिट बटन है, ये सेंड वाला। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैसेज कैसे जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। ऑन क्लिक किया, ठीक है, मैंने मैसेज निकाल लिया, किसको भेजना है वो निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये चैट सॉकेट डॉट सेंड ये इसका फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया। अब जब मैंने सेंड किया ना तो यह कंज्यूमर के पास आएगा और इस रिसीव पे जाएगा, ये वाला मेथड चलेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैसेज आया, टू आया, फ्रॉम आया, ठीक है। अगर मैसेज लॉग आउट है तो मैं लॉग आउट करा दूंगा,
ठीक है, लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी हमारे पास, जैसे कि अगर मैं राहुल को यहाँ से लॉग आउट करा दूँ तो राहुल गायब हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ से गायब हो जाएगा, आप देखोगे, देखो राहुल गायब हो गया लाइव मेंबर से, ठीक है, यहाँ से भी गायब हो गया होगा राहुल, क्योंकि मैंने लॉग आउट करा दिया। तो ये लॉग आउट के केस में होता है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए गायब हो जा रहा है हमारा लाइव यूजर से, ठीक है। और अदरवाइज ये देखो, ये जो मैं टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ ये हिस्ट्री के लिए मैंने सेव करा लिया कि भेजा था किसी ने, ठीक है, ये सिर्फ हिस्ट्री पता करने के लिए। हम हिस्ट्री कैसे निकाल रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ हिस्ट्री कैसे निकाल रहे हैं। जब मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ ना तो ये सारी हिस्ट्री आ रही है, ये मैसेज मेरे आज के भेजे हुए नहीं है, ये 13/5/2023 का है, ठीक है, तो ये हिस्ट्री आ रही है हमारी पास सारी। तो ये कहाँ से आ रही, क्योंकि मैंने ये स्टोर करा रखे हैं डेटाबेस में। और उसके बाद ग्रुप सेंड, ठीक है, ग्रुप सेंड, देखो अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पर हम वन टू वन चैट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो वन टू वन चैट हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने श्याम को भेजा तो अजय से सिर्फ श्याम के बीच में बात हो रही है, ठीक है, जब मैं श्याम को क्लिक करता हूँ तो। लेकिन अभी के लिए क्या किया हुआ है, कोड में अंदर क्या हो रहा है कि ग्रुप सेंड ही हो रहा है, बस हम शो नहीं कर रहे, मतलब अभी क्या है, वो सारा मैं ये जो मैं यहाँ से भेजूंगा ना, अजय अगर मैसेज भेजेगा ना श्याम को, तो जाएगा सबके पास, एडमिन के पास भी जाएगा, इधर उधर भी जाएगा, जितने भी यूजर हैं सबके पास जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रुप सेंड किया हुआ है। लेकिन शो हम यहाँ पर जब इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में कर रहे हैं, जब ये मैसेज आया ना यहाँ पर देखोगे आप, हाँ ये जो चैट सॉकेट डॉट एन मैसेज है, तो हम देखो ये क्या कर रहे हैं, डॉट टू अगर यूजर आई डी तभी शो कर रहे हैं, ठीक है, वैसे हम शो ही नहीं कर रहे मैसेज को। तो ये एक चीज है, मतलब है तो ये अभी ग्रुप टेक्स्टिंग ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें और चेंज कर सकते हैं हम ग्रुप में, लेकिन अभी के लिए हम इसको हमने पीयर टू पीयर बना दिया है। अगर वैसे देखा जाए तो ये पीयर टू पीयर नहीं है, लेकिन अभी हमने बना दिया है क्योंकि हम शो ही नहीं कर रहे मैसेज। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, राउटिंग डॉट पाई, कंज्यूमर डॉट पाई, ठीक है, और मॉडल्स मेरा, इसका जो कोड है वो गिटहब पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सेटिंग्स डॉट पाई में हमने क्या किया हुआ है, एएसजीआई एप्लीकेशन, ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, जैसे कि चैनल्स ये आपको इंस्टॉल करना जरूरी है, डेफने आपको इंस्टॉल ऐप में रखना है, मैं दिखाता हूँ आपको इसको, मैं पे फ्रीज करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि जेंगो है, डेफने है, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, चैनल्स है इंस्टॉल किए हुए हैं, ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, जेंगो रेडियस वगैरह, तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी भी मैंने दे रखी है इसी के प्रोजेक्ट में, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो ये, तो ये इसको इंस्टॉल कर लेना, मतलब इसमें कुछ तो फालतू की भी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो आप इसमें से निकाल के उठा सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा चैनल्स का, और ये पूरा कोड तो आपको मिल ही जा रहा है गिटहब पे, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर नाउ।